बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव की ओर से जिस तरह से आवाज बुलंद किया गया था और साथ ही साथ जिस तरह से जो सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा है उसके बाद अब आंदोलन छेड़ने की बात जो है वो कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? खुद तेज बहादुर यादव जी से जानते हैं। तेज बहादुर जी, क्या कहना चाहेंगे? 14 मई को आपने आंदोलन छेड़ने की बात कही है, क्या है पूरा मामला और किन किन मुद्दों पर आंदोलन जो है वो आपका होगा? 14 मई को हमने एक धरना देंगे 10 बजे जंतर मंतर पे। वो एक सांकेतिक धरना होगा। आंदोलन जो है पहले एक सांकेतिक संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि हो रहे जवानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इस तरह के हमले हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन हो, वो हमारी फौजें इनको खुली छूट दी जाए, उनको अपने तरीके से काम करने दिया, उनका स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाए। जैसे कि फौज के अंदर सबसे बड़ा मेरा तो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, कि क्यों ना इस तरह की कोई जाँच एजेंसियाँ बनाई जाए, जो आप इतना बड़ा बजट फौज को दे रहे हो लेकिन उसकी जाँच जीरो, जवानों तक 1 रुपया तक नहीं पहुंचता है। वैसे तो कहते हैं भ्रष्टाचार ख़त्म करना, हमने ख़त्म करना है, वाकई में ख़त्म करना है तो हर जगह कीजिए, फौज को क्यों छोड़ रहे हैं आप? और 50% देश का शायद बजट फौज के लिए जाता है और वो जवान के नाम पे जाता है जो वहाँ तक पहुँचता है। इसके लिए हमारे एक्स सर्विस मैन जवान भी हैं, बहुत से आएंगे, जो सोशल वर्कर्स हैं वो नहीं, इस धरने के अंदर हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना मंच करके वहाँ करने देंगे। इसके अंदर जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो आएंगे और हमारे एक्स सर्विस मैन जो जवान हैं वो आएंगे, बाकी जो देश के आम नागरिक हैं वो भी आएंगे, बाकी किसी राजनीतिक पार्टी को इसमें शामिल नहीं करना चाहते। इसके अलावा सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन क्या आप भी पहले वाली सरकारों की तरह वादे करके भूल जाते हो? उनको इसलिए तो आप वादे पूरे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन देंगे पूरे देश में। इसके अलावा मुंबई में मौजूद थे, मुंबई में मुंबई कांग्रेस की ओर से एक कार्यक्रम का श्रद्धांजलि, जो शहीद जवान हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। खुद मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम जी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, अगर तेज बहादुर यादव जी की बात करें तो जिस तरह से भ्रष्टाचार को उजागर किया है, विसल ब्लोअर का काम इन्होंने किया हुआ है, इसको अगर आगे मौका मिलता है कांग्रेस पार्टी कितना सपोर्ट करेगी? नागरिकों पर हमारे जवानों का बहुत बड़ा उपकार है। ये जवान से सरहद पर खड़े होकर 50 डिग्री 55 डिग्री गर्मी में, कभी -50 डिग्री ठंडी में हमारे देश की सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, और उनको जो पीड़ा हो रही है, उनको जो कष्ट हो रहा है, इसका इजहार तेज बहादुर यादव जी ने एक वीडियो के मार्फत किया था और पूरे देश ने वीडियो देखा था। ऐसे में सरकार का यह धर्म होता है कि इस वीडियो को जारी करने वाले जवान का सम्मान करें और जो शिकायतें उनने की उन शिकायतों को दूर करें। हुआ उल्टा, सरकार ने तेज बहादुर यादव जी को बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया, उनको सजा दे दी, मानो उन्होंने कोई अपराध किया। तो ऐसे में तेज बहादुर जी ने जो एक मुद्दा खड़ा किया है, जो विषय रखा है, उस विषय पर हम उनके साथ हैं और इस लड़ाई में जहां जहां चाहेंगे हम सब बतौर भारतीय नागरिक इनके साथ खड़े रहेंगे। और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, कांग्रेस का अकेला कार्यकर्ता नहीं हूं, देश का अकेला नागरिक हूं, लाखों करोड़ों नागरिक तेज बहादुर यादव की भावनाओं से सहमत है और उनके साथ खड़े रहेंगे। इसके अलावा 14 मई को धरना देने की बात जो है वो उन्होंने कही है आजाद में जंतर मंतर पे, तो क्या कांग्रेस समर्थन करने के लिए वहां पहुंचेगी? देखिए, ये गैर राजनीतिक तौर पर यह आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं और बिल्कुल करना चाहिए, इसका राजनीति से एक रिश्ता नाता नहीं जुड़ना चाहिए। फिर भी इस पूरे आंदोलन की कामयाबी के लिए अगर तेज बहादुर जी चाहेंगे तो हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे, उनका समर्थन करेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी हमारी तरफ से उनको पूरी शुभकामनाएं रहेंगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संजय निरुपम, तेज बहादुर यादव ने बताया कि 14 मई को जिस तरह से धरने की बात की जा रही है वहां पड़ी तो कांग्रेस भी उनका समर्थन देने पहुंचेगी। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ सलामत अली, समय राष्ट्र न्यूज, मुंबई।